वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन का रिव्यू। पहले ये एक इंडियन जिन है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन जिन। उससे भी बड़ा बात है कि दिस इज द ओनली लंदन ड्राई जिन विच इज मेड इन इंडिया। एंड सबसे बड़ा बात जो है वह है कि इंडिया का फर्स्ट हैंड क्राफ्टेड जिन है। इंडिया में हमेशा हम लोग एक ट्रू इंडियन जिन ढूंढते रह जाते थे टिल द टाइम इट इज अपेयर्ड। अभी हम लोग बड़ी फकर से बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग के पास भी एक इंटरनेशनल क्वालिटी का ग्रेट जिन है जो इंडिया बनाया है। हम लोग अभी कंपीट कर सकते हैं फॉरेन कंट्री के साथ भी। कुछ दिन पहले मेरे पास ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन आया था और मैंने टेस्ट भी किया और मुझे लगा कि यार, ये जो मेरा वंडरफुल एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन मेरा घर में है। सो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस जिन? क्यों ये धमाल का बिजनेस कर रहा है पूरा इंडिया में? क्यों इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत अच्छा डिमांड है और ये इतना अच्छा बिजनेस क्यों कर रहा है? इसी को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पेशलिटी है और वो स्पेशलिटी क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। Being a Indian, this is very clean, very citrusy and juniper flavored London Dry Gin है। So what is London Dry Gin? अगर London Dry Gin के बारे में आपको ढेरों information gather करना है तो I button में एक video click करो है जहाँ पर मैंने gin के ऊपर detail video बनाया, आप जाकर देख सकते हैं और वह काफ़ी information मिल जाएगा gin के बारे में। Gin and Tonic, ये नाम शायद आपने काफ़ी बार सुने होंगे कि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है। और ये जिन एंड टॉनिक कहाँ पर स्टार्ट हुआ था मालूम है? ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था। फिर भी हम लोग के पास कोई अच्छा जिन था नहीं जो इंडिया मेड है, जो हम लोग गर्व से बोल सकते हैं। इंडिया एक स्पाइस का भंडार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पाइस मिलता है। जिन भी बनता है लॉर्ड ऑफ स्पाइसेस से, फिर भी इंडिया में कोई अच्छा जिन था नहीं। इनफैक्ट ये जो स्पाइसेस था ये यहाँ से एक्सपोर्ट होकर बाहर कंट्री में जाता था, जहाँ पर जिन कंपनीज वो स्पाइसेस को खरीद के अपना जिन बना के इंडिया में बेचता था, फिर भी इंडिया में कोई अच्छा जिन था नहीं। अब ये दूर हो चुका है, हम लोगों के पास मिल चुका है ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन और ट्रूली ये इंटरनेशनल क्वालिटी है। दिल्ली की दो बार ओनर मिस्टर वैभव सिंह एंड मिस्टर आनंद विरवानी थोड़ा हटके सोचा, थोड़ा अलग सोचा और बार इंडस्ट्री से स्टेप आउट करके अपना एक डिस्टिलरी खोला जिसका नाम था नाउ स्पिरिट। और उसकी अंडर में दो वंडरफुल जिन बनता है, जिसमें एक है ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन और एक है हापूसा जिन। हापूसा और भी कम्प्लेक्स है और भी ज़्यादा इंडियन है, तो मैं हापूसा को भी कभी रिव्यू करूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल लंदन ड्राई जिन के लिए करते हैं हैट्स ऑफ, क्योंकि उनके चलते इंडिया को फर्स्ट क्राफ्टेड जिन मिला है। अभी थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या है क्राफ्ट जिन। कोई भी कंपनी जब जिन प्रोडक्शंस करता है तो मोस्टली वो बल्क में होता है विद द हेल्प ऑफ कलम स्टील मेथड, बट ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन ऑलवेज मेड स्मॉल बैचेस थ्रू कॉपर पॉट स्टील डिस्टिलेशन प्रोसेस। और जो यूनिक सीक्रेट रेसिपी है वो सिर्फ 2% जानता है, जो बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करता है बेस्ट बोटेनिकल्स और स्पाइसेस को और बहुत ही पेशेंस के साथ उसको डिस्टिल भी करता है। एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉल बैचेस दे कैन प्रॉपरली मॉनिटर द इंटायर प्रोसेस एंड ऑलवेज डिलीवर अ ग्रेट प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द जिन कंपनीज आपको ये नहीं बताता है कि एक्चुअली अंदर में जो स्पिरिट है, एक्चुअली ये तो न्यूट्रल स्पिरिट है, और ये न्यूट्रल स्पिरिट कौन सा इंग्रेडिएंट से बनता है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो न्यूट्रल स्पिरिट है वो व्हीट से बना हुआ है, आटा से बना हुआ है, और ये एक क्रीमी टेक्सचर भी देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द व्हीट। साथ में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स है जो इसको बिल्कुल यूनिक बनाता है, और वो यूनिक इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं आपको बोलना चाहूंगा। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ जिन इट वॉज जस्ट अ न्यूट्रल स्पिरिट, और उसके बाद काफी सारे बोटेनिकल्स एंड स्पाइसेस को ऐड किया जाता है। बट ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट्स को उसी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है जो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस करता है।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जूनिपर बेरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको मैसिडोनिया से इम्पोर्ट किया जाता है, एंजेलिका रूट जो है वो जर्मनी से, ऑरेंज रूट जो है वो इटली से, एंड ऑरेंज पिल जो है वो स्पेन से मंगवा जाता है, और तो और कोरिएंडर सीड, फेनेल, कैमोमाइल, जिंजर एंड लेमन ग्रास ये सब इंडिया से बेहतर कहीं नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली ये इंडिया से मंगवा के इस ग्रेटर देन जिन में ऐड किया जाता है। आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जिन फॉर ऑल काइंड ऑफ जिन कॉकटेल्स एंड जिन इन्फ्यूजन। इस जिन का मास्टर डिस्टिलर का अगर बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे, मिस्टर आनंद विरमानी एंड मिस्टर जय धावन जो है ये मास्टर डिस्टिलर है। और सबसे बड़ा बात है कि मिस्टर आनंद विरमानी को बिल्कुल मालूम नहीं था हाउ टू डिस्टिल जिन, और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा अपना डिस्टिलरी को बनाने के लिए। 2015 में मिस्टर विरमानी अपने घर के पीछे के घर में एक छोटा सा ग्लास लैब स्टील में एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। उनको जो भी इंडियन स्पाइसेस मिलता था वो उसको डिस्टिल करते थे और देखते थे उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है। ऐसे करके एक साल में काफी सारा डिस्टिलेट रेडी हो गया था, और उसके बाद मिस्टर विरमानी ने उन डिस्टिलेट को एक जगह मिला के मिक्सिंग करना चालू किया, और फाइनली उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को ख़त्म किया एक रेसिपी के साथ जो आज आपके सामने खड़ा है ग्रेटर देन लंडन ड्राई जिन के तौर पे। डॉक्टर एनी ब्रुक जो मास्टर डिस्टिलर है बॉम्बे सफायर जिन का, उनकी मदद से 2017 में मिस्टर आनंद और मिस्टर सिंह ने स्टैब्लिश किया था इंडिया का फर्स्ट क्राफ्ट जिन कंपनी। और ये जो वंडरफुल बॉटल आपके सामने दिख रहा है ये कौन डिजाइन किया है मालूम है? अपराजिता नाइनान जो मिस्टर आनंद विरमानी का वाइफ है, सी वाज एक्चुअली अ डिजाइनर, और उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए उन्होंने डिजाइन किया था ये फैंटास्टिक बॉटल एंड द लोगो एज वेल। दिस लोगो इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज अ मैथमेटिकल सिंबल फॉर ग्रेटर देन, और इसीलिए इस लोगो को यूज किया गया है इस जीन के साथ। अभी हम टेस्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इसका यूनिक फ्लेवर। सो ये है वंडरफुल डिजाइन बॉटल जो क्रिस्टल क्लियर ग्लास में है, जहाँ पर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा गया है ग्रेटर देन लंडन ड्राई जिन, और यहाँ पर एक लोगो है, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक शेड में लिखा गया है कि स्मॉल बैच क्राफ्टेड विद द ग्रेटेस्ट बोटनिकल ऑन अर्थ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये 750 ml का एक बॉटल है और 42.8% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंपल लोगो है जहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दिस इज द जिन विच इज रियली बेस्ट फॉर कॉकटेल, काफ़ी सारा कॉकटेल को बनाया जा सकता है, और यहीं पर वो जिक्र किया गया है ये ग्रेटर देन का जो मतलब है उसको समझाया गया है यहाँ पर छोटा सा इंफॉर्मेशन की साथ। और यहाँ पर है आपका जितना भी इंग्रेडिएंट्स इसको यूज किया गया है, तो ये पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस का अगर बात करूँ तो ये 750 ml जो गोवा का प्राइस है, अगर आप आपका स्टेट में ये एक्सपेक्ट करते हो तो ये 1000 rupees के अंडर में आपको ये मिल जाएगा, अंडर 1000 ही होगा मुझे लगता है। अभी काफ़ी स्टेट में नॉट अवेलेबल है, मगर कंपनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो बहुत जल्दी आपको मिल भी जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जी हाँ यहाँ पर लिखा है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट, अभी इसको पोर करते हैं। सो ये रहा मेरे पास ग्रेटर देन लंडन ड्राई जिन, और एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लीन नेचुरल लुकिंग एक जिन है, और जैसे मैंने पोर किया तो फुल ऑफ जूनिपर का वंडरफुल फ्लेवर आ रहा है, जैसे कि मैं आपको बताया था इंपोर्टेड जूनिपर है इसमें। अब नोट्स जो आ रहा है वो लेमन पील का भी आ रहा है, लिटिल बिट ऑफ सिट्रसी, वंडरफुल नोट है, वंडरफुल नोट, आपको ट्रूली एहसास दिलाता है कि आप कोई इंपोर्टेड जिन पी रहे हैं। जी हाँ, अगर आप एक ट्रू जिन लवर है मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आपको ये निराश नहीं करेगा, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। अभी थोड़ा सा पैलेट में लेते हैं, फुल ऑफ जूनिपर का एक कोटिंग माउथ में जेनरेट कर चुका है, बहुत ही स्मूथ इसका फिनिश है। फ्लेवर का अगर बात करूं तो फिर क्योंकि फिनिश का मैं बात मैंने जल्दी बोल दिया क्योंकि इतना
स्मूथ फिनिश शायद जिनमें होता ही नहीं है, बहुत ही अच्छा फिनिश है। बाय द वे फ्लेवर में आता हूँ, फ्लेवर में मुझे तो ऑब्वियसली इसमें जूनिपर है, बहुत सारा जूनिपर है। और आपका पैलेट में थोड़ा सा जिंजरी हिंट जनरेट करता है, लिटिल बिट ऑफ सिट्रसी नो डाउट, आपका पैलेट को भीगा देता है थोड़ा सा। एंड बाय द वे अगेन मैं फिनिश का बात बोलना चाहूंगा, वंडरफुल फिनिश, वंडरफुल, काफी लॉन्ग भी है। अब आप लोग शायद सोचते होंगे कि शायद ये पेड वीडियो है, क्षमा चाहूंगा कि बिल्कुल ये पेड वीडियो नहीं है। मैं एक ड्रिंक एंथुसियास्ट हूं और अक्सर मैं वो डिलीवर करता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रेटर देन जिन इज वंडरफुल जिन, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और इस प्राइस सेगमेंट में शायद आपको कोई भी कंपनी इतना अच्छा इतना बढ़िया जिन नहीं दे सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटर देन लंदन ड्राई जिन। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, न्यू इंटरेस्टिंग कॉकटेल, न्यू इंटरेस्टिंग whatever in your mind, just write it down. Definitely I will make video. Thank you so much, thank you, bye bye. And please remember, don't drink and drive.